माइग्रेट. सो यू हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट माइग्रेट. ओके, दैट शो द अडेप्टेशन प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स दे ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वाई? बिकॉज दे नीड गुड फूड और इनफ फूड, और बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एनिमल्स कैन माइग्रेट. सो यू हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स. सो द टू एग्जाम्पल्स आर वेल एंड क्रेन. ओके, सो दीज टू एनिमल्स शो द अडेप्टेशन ऑफ माइग्रेशन. फ्लाइटलेस बर्ड्स. वॉट आर फ्लाइटलेस बर्ड्स? दीज बर्ड्स आर दोज विच कैनॉट फ्लाई. कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. ठीक है, तो एम्फीबियंस का मतलब जो धरती पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं. एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग और टोड. पैरासाइट का मतलब जो दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट है. ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं जैसे मच्छर, मॉस्किटो और लीच. एनिमल्स जो हाइबरनेट करते हैं. हाइबरनेट का मतलब होता है कि वो जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, एस्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो उन जानवरों का एग्जाम्पल है स्नेक और बैट. बैट का मतलब चमगादड़. एनिमल्स दैट माइग्रेट. माइग्रेट का मतलब है भाई एक जगह से बहुत दूर दूसरी जगह जो काफ़ी दूर होती है वहाँ पे मूव कर जाना. ठीक है, क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से भी, या बेटर जो है क्लाइमेट कंडीशन के लिए मूव करते हैं, फूड के लिए मूव करते हैं. ठीक है, तो ऐसे जानवरों का एग्जाम्पल देना है. तो एग्जाम्पल है वेल और क्रेन. फ्लाइटलेस बर्ड्स का मतलब जो पक्षी उड़ नहीं सकते, उनका एग्जाम्पल आपको देना है. तो है, एक है कीवी और एक है ऑस्ट्रिच. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट पार्ट डी. मैच द कॉलम. सो यू हैव गिवन टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, एंड यू हैव टू मैच देम. कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज, वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लाज? यस इट इज द एबिलिटी बाई विच एनी एनिमल कैन मैच, और दे कैन मैच विथ इट्स सराउंडिंग. ओके, सो दे कैन मिक्स अप विथ इट्स सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल अ कैमिलियन. ओके, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लाज. सो इट इज़ अ स्पेशल अडेप्टेशन विच हेल्प देम टू कीप देम सेफ. ओके, एंड दे कैन ईजिली हंट डाउन देयर प्रे ऑल्सो. कैमोफ्लाज क्या होता है? जिससे एक जो जानवर है जो कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी दिखाता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है और हमें बहुत मुश्किल होता है उसको देख पाना. जैसे एक गिरगिट है वो अपना रंग बदल सकता है जैसा एनवायरनमेंट होगा ना. जैसे पत्तों पे है ग्रीन कलर के तो ग्रीन हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक स्पेशल अडेप्टेशन है. तो फर्स्ट का आंसर है सी पार्ट. स्नेक्स. स्नेक्स का आएगा स्केल्स, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं ना उनके ऊपर जो है एक स्केल्स होते हैं बहुत सारे. ठीक है, जो मैंने चैप्टर में आपको बताया भी था. तो ये सेकेंड लिखना आपको स्केल्स. एबोरियल एनिमल्स. एबोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पेड़ों पे रहते हैं, जैसे बंदर है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थ्री, ट्रीज. थर्ड का ट्रीज. हाइबरनेशन. हाइबरनेशन का मतलब ये जो भी जानवर हाइबरनेशन दिखाता है, शो करता है, वो क्या होता है? वो इनएक्टिव या डोरमेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जनरली वो विंटर सीजन में होता है, तो डीप विंटर स्लीप भी हम इसको कहते हैं, इसलिए इसका फोर्थ आएगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास. वी विल डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो फिल दिस बैक एक्सरसाइज इन यूर बुक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. बाय.